देव खेल की सदियों पुरानी परंपरा इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देखने को मिली। मंडी जिला प्रशासन और देव समाज के प्रयासों से इस देव खेल का आयोजन हो सका। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन देव संस्कृति का अपना एक समृद्ध इतिहास है। इसी देव संस्कृति का एक अहम हिस्सा है देव खेल। देव खेल का अधिक प्रचलन मंडी जिला की चौहार घाटी में है। यहाँ देव हुरंग नारायण को आराध्य देव माना जाता है और यह देव खेल इनके आह्वान पर ही होती है। मंडी में सदियों से मनाए जाने वाले शिवरात्रि महोत्सव में देव खेल का आयोजन होता था, लेकिन जब राजाओं के राज समाप्त हुए और बागडोर प्रशासन के हाथों में आई तो देव खेल की परंपरा भी बंद हो गई। इस बार मंडी जिला प्रशासन और देव समाज ने मिलकर इस परंपरा को शुरू करने का निर्णय लिया। रविवार को मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर इस देव खेल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सेरी मंच पर पहुंची। पहले से ही नया कोई नहीं, जब हमने उसके बाद राज्य का राज खत्म हुआ उसके बाद स्टेट में चले तो स्टेट वाले ने बंद कर दिए, ये कोई खेल कोई नहीं चली। उसके बाद हमने ये फिर भी शुरू कर दी और इससे हमारी जो है पहले की परंपरा है, सदियों से है, कई सदियों से है, ये नहीं है हमारा जो पहले का ही ऐसा ही है। क्या होती है देव खेल? देव खेल में देव हुरंग नारायण के मुख्य पुजारी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद देवता की शक्तियों का आह्वान करता है। मंडी में देव खेल के प्रदर्शन के दौरान देव हुरंग नारायण के पुजारी रामलाल ने इस परंपरा का निर्वहन किया। रामलाल ने पहले देवता की विधिवत पूजा की और उसके बाद दैवीय शक्तियों का आह्वान किया। इस दौरान रामलाल ने अपने हाथ में छोटी कुल्हाड़ी भी पकड़ी और अपने शरीर पर उससे वार भी किए, लेकिन रामलाल को कोई चोट नहीं आई। रामलाल ने बताया कि जब यह सारी प्रक्रिया होती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, यह सब देवता के आदेश और आशीर्वाद से ही संभव होता है। उन्होंने बताया कि देव खेल से जहां इलाके को सुरक्षा का कवच मिलता है, वहीं मौके पर मौजूद लोग यदि कोई मनोकामना मांगते हैं तो उसकी पूर्ति भी होती है। सर, एक देव खेल ऐसी है, इसमें किसी को अगर कोई जैसे कोई पहले पर बोलते कहीं चीज लग जाती थी, पहले जो सियाणों बुजुर्गों से आते थे, कोई जैसे कोई जोगने कुछ चीज प्रभाव करती थी इसके ऊपर, जो बुरा असर जो प्रभाव ये करते थे नारायण इस चीज को करते उस चीज को दूर हटा देता था। एक देवता की परंपरा ऐसी है जो कोई चीज ऐसी हो दुर्घटना जो इसमें उसको रोक लगा लेता है नारायण जी से, जैसे किसी के मन की इच्छा मन की जो कामना किसी होती है वो कामना पूर्ण कर देती है इसी इसमें आते आते हैं। उस वक्त जब देव खेल होती है तब आपको पूरा होशो आवाज हो सके नारायण की जो सर, हम ऐसी भी ध्यान से खेलते हैं, हम अपने ध्यान से नहीं खेलते हैं, जो नारायण जब मन में आए तो उस हिसाब से खेलते हैं, हमें क्या याद नहीं होता कि हम क्या चीज कर रहे हैं, हम अपने नारायण से इसी से खेलते हैं जो भी है। देव खेल में हालांकि अन्य देवी देवताओं के पुजारी भी शामिल हुए, लेकिन सिर्फ देव हुरंग नारायण के पुजारी ने ही इस परंपरा का निर्वहन किया, बाकी पुजारी अपनी जटाओं से मुंह को ढकते हुए दिखाई दिए। जब इस बारे में हमने पता किया तो मालूम हुआ कि देव खेल के दौरान किसी भी पुजारी को बात करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए सभी अपना मुंह बंद रखते हैं, जुबान नहीं खोलते हैं। जब खेल में खड़ना गुरु लोगों ने वो जुबान मुंह से शब्द नहीं बोला जाएगा, वो बंद ही रहेंगे। जब अभी खुला इनका मुंह, जब इन्होंने समापन की खेल और तब मुंह खोला गया, नहीं तो मुंह नहीं खोला जाता, इससे कोई जवाब नहीं दिया जाता है। देव खेल की इस परंपरा को देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। यह पहला मौका था जब लोगों को इस प्राचीन संस्कृति को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला। कहा जा रहा है कि अब हर शिवरात्रि महोत्सव में देव खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। आपके इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर रहा है सुपर मैग्नेट। हमीरपुर स्थित सुपर मैग्नेट ने दिए हैं बेहतरीन रिजल्ट। 9वीं 10वीं प्लस 1 प्लस 2 के बच्चों के लिए ड्रॉपर बैचेस और ईयरली सक्सेस कोर्सेज, टॉप रैंकर बैचेस फॉर प्लस 1 एंड प्लस 2, साथ ही क्रैश कोर्स भी करवा रहा है सुपर मैग्नेट। सुपर मैग्नेट हैज डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हॉस्टल फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें सुपर मैग्नेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, गीता प्रेम कॉम्प्लेक्स नियर गांधी चौक, हमीरपुर। कांटेक्ट नंबर 01972224148।